दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली नागलो के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये सारे लोग नागलो के पास पहुंच जाते हैं, तभी इन लोगों को सामने में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। इस मॉन्स्टर को देखने के बाद ये जंगली इंसान काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। ये लोग इस मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ देर बाद गुल्ली कहता है कि चलो हम लोग आगे जाकर देखते हैं कि ये मॉन्स्टर हम लोगों को नागलो के अंदर जाने देता है या फिर नहीं। इतना कहने के बाद ये लोग उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगते हैं। आगे आने के बाद गुल्ली उस मॉन्स्टर से कहता है कि हम लोगों का नागलो जाना बहुत जरूरी है, तुम सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली की बात सुनने के बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं ऐसे किसी को भी नागलो के अंदर जाने नहीं देता हूँ, पहले तुम लोगों में से किसी एक को मुझसे लड़ना होगा और अगर वो मुझे हरा देता है तो मैं तुम लोगों को नागलो के अंदर जाने दूंगा। इस मॉन्स्टर की बात सुनने के बाद गुल्ली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुल्ली उस मॉन्स्टर से कहता है कि लगता है तुम्हें हम लोगों के बारे में पता नहीं है कि हम लोग कितने खतरनाक हैं, आ जाओ मैं तुम्हें अकेले ही मारूंगा। गुल्ली की बात सुनने के बाद ये मॉन्स्टर गुल्ली के सामने आ जाता है और इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अरे क्या, गुल्ली ने तो उस मॉन्स्टर को मार दिया और वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया। तभी गुल्ली इन लोगों से कहता है कि देखा मैंने इस मॉन्स्टर को कैसे मारा, चलो अब जल्दी हम लोग नागलोक के अंदर चलते हैं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग नागलोक के दरवाजे को खोलकर नागलोक के अंदर आ जाते हैं। नागलोक के अंदर आने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, पता नहीं इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया। अरे क्या, यहाँ पे तो एक आदमी है जिसके हाथ में नाग बनी है और उसके अगल बगल में दो खतरनाक से सिपाही खड़े हैं। और ये लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं ये आदमी इन लोगों को नागमनी देगा या फिर नहीं। और फिर कुछ देर बाद ये सारे लोग उस आदमी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को देखने के बाद वो आदमी खड़ा हो जाता है और फिर वो आदमी इन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि जो भी नागलोक आता है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और मैं ये नागमनी तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन पहले तुम लोगों को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम लोगों ने सही जवाब दे दिया तो मैं ये नागमनी तुम लोगों को दे दूंगा और जहाँ तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो तुम लोगों को यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। उस आदमी की बात सुनने के बाद अज्जू भाई उस आदमी से कहते हैं कि हम लोग किसी भी सवाल के जवाब को देने के लिए तैयार हैं, आप जल्दी से सवाल पूछिए। तभी वो आदमी कहता है तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ तक आने में कितने मॉन्स्टरों को देखा है, तुम लोग अच्छे से सोचकर बताना, अगर तुम लोगों ने गलत जवाब दिया तो ये नागमनी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। इस आदमी की बात सुनने के बाद ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली कुछ सोचने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद गुल्ली उस आदमी से कहता है कि यहाँ तक आने में हम लोगों ने टोटल 5 मॉन्स्टरों को देखा है, जिसमें से हम लोगों ने 3 मॉन्स्टरों को मार दिया है, मैंने सही जवाब दिया है, अब आप नागमनी हम लोगों को दे दीजिए क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया, अब ये नागमनी तुम लोग ले जा सकते हो। अगर तुम लोग गलत जवाब भी देते तो भी मैं ये नागमनी तुम लोगों को दे देता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के दोस्त सोन को एक सांप ने काटा है और उसकी जान खतरे में है। इस नागमनी को लेने के बाद तुम लोगों के सामने एक पोर्टल खुल जाएगा और तुम लोग उस पोर्टल से डायरेक्ट अपने घर चले जाओगे, ये लो नागमनी और जल्दी से अपने घर जाओ। इतना कहने के बाद वो आदमी अपना हाथ आगे करता है और वो नागमनी उस आदमी के हाथ से उड़कर गुल्ली के हाथ में चली जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक पोर्टल खुल गया और ये लोग उस पोर्टल को देखने लगते हैं। ये लोग उस पोर्टल को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ये पोर्टल बंद हो जाती है। और इधर सोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और सोन का शरीर नीला हो चुका है और बाबा ये सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं गुल्ली बुल्ली और वो सारे लोग नागलोक पहुंचे होंगे या फिर नहीं। तभी बाबा को कुछ दिखाई देता है, पता नहीं बाबा को क्या दिखाई दिया है।
अरे ये क्या, गुल्ली गुल्ली के घर में तो वो पोर्टल खुल गया। बाबा इस पोर्टल को देख ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ये सारे लोग पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद ये पोर्टल गायब हो जाती है। इन लोगों को देखने के बाद बाबा काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं और फिर ये सारे लोग बाबा के पास जाने लगते हैं। और बाबा के पास आने के बाद गुल्ली अपने पॉकेट से वो नागमनी निकालता है और बाबा को देता है। बाबा उस नागमनी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस नागमनी को ले लेते हैं। कुछ देर बाद ये लोग सोन की तरफ मुड़ जाते हैं और सोन की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बाबा सोन के बगल में बैठ जाते हैं और सोन को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं और फिर बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद बाबा उस मणि को सोन को जिस जगह पे सांप ने काटा था उस जगह पे लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो नागमणि चमकना बंद हो जाती है और फिर वो अचानक से गायब हो जाती है और फिर धीरे धीरे सोन ठीक होने लग जाता है। अरे ये क्या, सोन तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। और फिर कुछ देर बाद सोन उठकर बैठ जाता है और इन लोगों को देखने लगता है। और इस तरह से गुल्ली बुल्ली और इन सारे लोगों ने मिलकर सोन की जान बचा ली और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।